नमस्कार, अन्यवासेयो, स्वागत है आपका स्टडी इन कोरिया सीरीज के अगले एपिसोड में। एंड टुडे विल बी इंटरव्यूइंग आकांक्षा, जो ईवा वेमेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। ईवा वेमेंस यूनिवर्सिटी को आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वेमेंस यूनिवर्सिटी में माना जाता है, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्चुअली यूनिवर्सिटी। एंड कोरिया का तो ये ऑल है ही, मतलब सबसे बड़ी वेमेंस यूनिवर्सिटी है, एंड इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स ब्यूटिफुल कैंपस। तो इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं आकांक्षा से। हेलो आकांक्षा। हाय हर्ष। एंड सबसे पहले लाइक कैन यू टेल अस कि आप कहाँ से हैं, वेयर यू फ्रॉम? मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, जो कि आई थिंक गूगल मैप पे भी विजिबल नहीं है। यू कम फ्रॉम राजस्थान। एंड आप कोरिया कब आई हैं? I came to Korea in 2018 through KGSP. तो एक साल लैंग्वेज ये किया और लास्ट ईयर फिर मैंने मेरा डिग्री स्टार्ट किया। Okay. And what's your major there in Ewha? My major is Master of International Studies और concentration है IR, International Relations. Okay. And when you decide that you will come to Korea, like what or was there any inspiration behind coming here? एक्चुअली लाइक यूजी के लास्ट ईयर में मैं मास्टर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटीज देख रही थी अब्रॉड, और उसी ईयर लाइक आई वॉन्ट अ ट्रिप टू कोरिया, सो मैं कोरिया आके गई थी। तो लाइक यहाँ की यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी हैं स्टडीज वाइज, रिसर्च वाइज, एंड ट्रिप पे आई तो कंट्री भी काफ़ी अच्छी लगी, एडवांस है टेक्नोलॉजिकली और काफ़ी सेफ भी लगी, तो फिर मैंने कोरिया का डिसाइड कर लिया। अच्छा। एंड मतलब ईवा ही क्यों चुना? Like, is there any specific reason to choose ईवा? मैं मास्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज करना चाहती थी। मैंने अदर यूनिवर्सिटी का करिकुलम भी देखा, उनको ईमेल्स भी सेंड किया, तो ईवा का करिकुलम मुझे सबसे बेस्ट लगा। इवन तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, पर जो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है वो ईवा का फर्स्ट रैंक पे है कोरिया, तो फिर मैंने ईवा सेलेक्ट कर लिया। तो कैसी है, हाउ डू यू लाइक इट, हाउ इज द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, कैसी है वहाँ की? सबसे लाइक हमारी जैसे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स फॉरेनर्स हैं, तो एक तो काफ़ी फॉरेन फ्रेंडली है, और लाइक सब जो स्टाफ वगैरह हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह भी सब काफ़ी काइंड है, और फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी हैं। डॉर्मेट्री हुई या फिर लाइक जैसे शटल बस है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है तो चलना नहीं पड़ता। नहीं तो मतलब कैंपस काफी बड़ा है, which means हाँ काफी बड़ा है, और एक्चुअली लाइक ये लाइक माउंटेनियस टाइप का है तो ऊपर हाइकिंग करना पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए बसेस, हाँ लाइक ऐसा कहा भी जाता है that the Ewha has one of the most beautiful। हाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, अभी तो कोविड की वजह से नहीं आ रहे, नहीं लाइक बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। And how about the lifestyle apart from the study and everything, how is the lifestyle there? अभी कोविड की वजह से जैसे काफी इवेंट्स वगैरह कैंसिल हो रहे हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती है सेमेस्टर के थ्रू आउट, और मेन फेस्टिवल भी होते हैं दोनों सेमेस्टर में, और जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स को फ्री ट्रिप्स भी ले जाते हैं कोरियन कल्चर का एक्सपीरियंस करने के लिए, और जैसे क्लब भी है यहाँ पे, स्टूडेंट क्लब जैसे फोटोग्राफी क्लब हुआ, ताइक्वांडो क्लब हुआ, तो उसके थ्रू कोरियन फ्रेंड्स भी बनाने को मिलते हैं, और जैसे कई कंट्री से फ्रेंड्स बनाने को मिलते हैं, तो काफी अच्छा लगता है एक दूसरे के कल्चर को जानना और दोस्त बनाना काफी जगह पे। You stay in dormitory there? Yes. So how is the dormitory like as an Indian student, like cooking facility वगैरह is there or it's like how is it? हाँ यहाँ पे हम सबका कॉमन किचन है, और जैसे हर फ्लोर पे माइक्रोवेव है, टोस्टर है, तो काफी इजी रहता है। जैसे कई लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पर जैसे यहाँ पे किचन है तो लाइक एवरीवन कैन कुक, कोई इश्यू नहीं है, और सबके जैसे यूनिट टाइप्स हैं हमारे, तो जैसे एक यूनिट में 2-3 रूम होंगे, तो सबका रेफ्रिजरेटर है ऐसे, तो सब कुछ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो कुक भी कर सकते हो, बाहर भी खा सकते हो, कैफेटेरिया भी है डॉर्म के। अच्छा है। नहीं, so... like vegetarian होते हैं, you are not vegetarian right, so do you like Korean food? Yeah, I eat Korean food, पर Indian food होता है। वो तो ऑब्वियस है, बट लाइक यू स्टिल लाइक इट. बहुत लोग दे से दैट उनको अच्छा नहीं लगता कोरियन फूड, उनको जो है मतलब एक उनकी जीभ पे ही मतलब नहीं जाता टाइप से, तो ऐसा नहीं है. तो थोड़ा मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था इन द बिगिनिंग, बट आई थिंक आई गॉट यूज्ड टू इट. थोड़ा लाइक खाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे टेस्ट बड्स अडॉप्ट कर लेते हैं. तो जब आप कोरिया आई तो डिड यू फेस लाइक एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन लाइक सेटलिंग डाउन हियर? कुछ ऐसा था और डिड यू नो अबाउट एवरीथिंग बिफोरहैंड ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं जैसे एक छोटी थी तब से बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, बाद में भी दूसरे स्टेट में रही हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता. पर जो मेन प्रॉब्लम था वो लैंग्वेज का था. जैसे देगू यूनिवर्सिटी ग्योंगसान में एक गाँव है ये, तो वहाँ पे कोई भी इंग्लिश में नहीं बोलता था, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था. नाउ यू लाइक एक साल आपने लैंग्वेज सीखा है, सो यू नो द ऑल द बेसिक थिंग्स नाउ, राइट? हां, अब कोई नहीं होता. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट कोरिया? मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी वो है यहाँ ये बहुत सेफ है. मेरे को मतलब एक बार भी नहीं सोचना पड़ता कि मैं इतने बज गए, अभी बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोई है यहाँ मेरे आसपास लोग तो हैं, यानी मैं कुछ भी नहीं सोचती, तो वो सबसे अच्छा है. और दूसरा बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, तो सब कुछ आसानी से इजीली मिल जाता है एंड करने को कंफर्टेबल. नाइस. एंड अगर इंडियंस के लिए देखा जाए तो क्या चीज उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए? तुम आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आई थिंक लैंग्वेज का थोड़ा सा अगर आए तो सही रहेगा, नहीं आए तो भी यहाँ के सीख सकते हैं. ऐसा साइन लैंग्वेज तो हर जगह काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग विल ज्यादा जरूरी होगी. तो मतलब जल्दी से ऐसे घबराना नहीं है कि ओ मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़े से दिन की बात है, सब सेटल हो जाता है फिर. एंड आप जैसे आपका कोर्स है GSIS का, वो क्या कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल है सारे या फिर यू आल्सो हैव टू टेक? सारे इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब पूरी स्कूल ही इंग्लिश में, तो बहुत तो कोरिया आने के पहले आप कोरिया के बारे में जानती थी? लाइक क्या इम्प्रेशन था आपका कोरिया का कोरिया आने से पहले एंड हैज इट चेंज्ड? मैंने काफी मतलब जैसे कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया ब्रांच, वहां में SNS सपोर्टर काम की थी, तो थोड़ा आइडिया हो गया था. फिर भी लाइक जो अपन पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में देखते हैं वो डिफरेंस तो होता ही है. फिर भी थोड़ा कल्चर शॉक थे कई, पर अभी आदत हो गई है. और सबसे ज्यादा मेरे रिलेटिव्स का परसेप्शन चेंज हुआ है. जैसे मैं आई थी तब कोई नहीं जानता था कोरिया के बारे में, किसी को परवाह नहीं थी, पर अभी जैसे कोविड का उनका रेस्पॉन्स रहा है, वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर में कोरिया के बारे में आ रहा है, सब जाके बोलते हैं ओ कोरिया सच्ची में अच्छा. राइट 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 राइट. हाँ, हमारे यहाँ तो मतलब पीपल बेसिकली नो अबाउट कोरिया कि नॉर्थ कोरिया है. राइट, तो सही है. एंड चलिए लास्ट में लाइक क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी को जो और इंडियंस अगर स्पेशली इंडियन लड़कियां जो हैं आना चाहती हैं तो उनको रिकमेंड करेंगी अपनी यूनिवर्सिटी, चाहे वो किसी भी मेजर में हो एंड ऑल? हम डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी. फर्स्टली इसकी रैंकिंग वैसे भी अच्छी है और बहुत फॉरेन फ्रेंडली है, और स्पेशली अगर जैसे आप मेरे वाले फील्ड में आ रहे हो तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है कोरिया में, और ये बहुत रिसर्च फोकस है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड. एंड एज यू आर अ KGSP स्कॉलर, तो व्हाट इज योर पर्सनल यू नो ओपिनियन या फिर क्या बोलते हैं एडवाइस टू इंडियन स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर KGSP? क्या जो है चीजें स्कॉलरशिप के लिए जो है बहुत मायने करती हैं या फिर क्या चीजें मतलब जो है प्लस पॉइंट में आती हैं अगर KGSP अप्लाई कर रहे हैं तो? मैं जैसे बहुत लोग बोलते हैं CGPA बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरा भी इतना ज्यादा हाई नहीं था, एवरेज था, पर जैसे लाइक वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टडी प्लान वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और जैसे एक्सपीरियंस होता है, जैसे मेरे पास काफी लाइक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काफी था, तो ऐसी एक्सपीरियंस रहे तो वो भी बहुत मायने रखते हैं. अच्छा. एंड अगर वो क्या बोलते हैं आपने अप्लाई कैसे किया था, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के थ्रू या फिर? मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया था. डायरेक्टली अप्लाइड टू Ewha. सही है. सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका स्पेसिफिक एडवाइस है इंडियन स्टूडेंट्स को जो कोरिया आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, नॉट जस्ट इन ईवा, इन एनी अदर यूनिवर्सिटी, उनके लिए अगर कुछ आपका पर्सनल एडवाइस है, अप्लाई करने से पहले क्या उन्हें करना चाहिए या फिर आने से पहले क्या प्रिपेयर, किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए? मैं यही एडवाइस दूंगी, अच्छे से सर्च करो। जैसे केजीएसपी के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कई लोग नहीं जानते। जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे पोस्को के हुए, और मतलब और जैसे प्रोफेसर ग्रांट हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अच्छे से सर्च करो, और कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, किसी भी इंडियन स्टूडेंट से पूछो तो कोरिया में सब अच्छे से रिप्लाई करेंगे, पर थोड़ा बेसिक सर्च करके आओ तो सही रहेगा। वही एडवाइस दूंगी, अच्छे से सर्च करो, और जो भी इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, और उसके अंदर लाइक सारे स्कॉलरशिप के सारे डिटेल्स रहते हैं। राइट, या एवरी डिटेल इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी साइट एंड इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश, राइट? पर कई लोग जैसे आते हैं और वो सीधा बोलते हैं जैसे मुझे कोरिया में पढ़ना है, एडवाइस दो तो राइट, तो आप पहले अपना रिसर्च कीजिए, अपना कीजिए, एंड या ऑब्वियसली इंडियन स्टूडेंट्स से आप पूछेंगे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दे विल बी यू नो लाइक ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, बट वही है कि आप सीधे पूछेंगे मुझे पढ़ना है, एडमिशन करवा दो, तो थैंक यू सो मच आकांक्षा आपका टाइम देने के लिए, एंड होप इससे इंडियन स्टूडेंट्स जो ईवा में आना चाहते हैं उनको काफी हेल्प मिले। एंड are there also other Indians there in Ewha? Like yeah, like in my department there are 2 more Indian girls, and in other department also there are Indian girls. Like I've heard about them, but I've never seen them. But okay. In my department there are 2 more girls. Yeah, मतलब already हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ. सही है. Thank you so much.